भदोही जनपद सुरियां ब्लॉक के चकमयती प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मान और मानकों में पूर्णतया फेल था। हैंडपंप खराब पड़ा था, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बाउंड्री वाल नहीं था, टीचर की कमी थी, जिसपे मैंने एक साल पहले वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद हमने SMC समुदाय के साथ बातचीत कर सामाजिक संगठन पीपुल फॉर पीस सिविल सोसाइटी, जन सहयोग मंच और बेसिक शिक्षा मंच भदोही के पैक्स तथा एकता परिषद के सहयोग से मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाया। सन 2011 की बिल्डिंग ये स्वीकृत हुई थी, लेकिन अभी तक न बाउंड्री बाल का पैसा आया, न छात्रवृत्ति आई और न बच्चों का ड्रेस आया। प्राथमिक विद्यालय चकुमार जीती विद्यालय के समिति में अध्यक्ष हूँ। विद्यालय में समस्या ये है कि कुर्सी मेज का व्यवस्था नहीं हुआ है। खाना बनाने के लिए हम लोग अपने घर से भगोला ला करके, बर्तन ला करके कैसे बच्चों को खाना भी बना के खिलाते हैं, अभी उसका भी व्यवस्था नहीं हुआ है। अध्यापक के बराबर न रहने के वजह से हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। पानी बड़ी परेशानी बैठा ही, लड़कियाँ खा ली दौड़ा जही घरे जही वहीं पानी पी बर्तन धोई, अब हम अब यहीं रहते हैं तो न सपन पी खा ले और चौका बनना कुछ ना बर्तन कौनो बर्तन ना है, कुल बर्तन जानना कुल हम अपने घरे से ले आवा थे। विद्यालय पर अनिल कुमार सरोज आए और वहाँ से वीडियो निकाले और वो जा करके पंचायत भवन में ज्ञानपुर में इसका मीटिंग हुआ, वहाँ भी SA साहब आए थे, उनके सामने वीडियो दिखाया गया, सारी बात बताई गई, उन्होंने कहा कि सब समस्याएं दूर हो जाएगी। ये जो समस्याएं थी पहले ये सब तो अभी दूर है, बर्तन भी आ गया, नल भी हो गया और शौचालय भी बन गया है, बाउंड्री बाल भी बन गया। जो अनिल कुमार जी आए थे इसके लिए हम उनको बहुत बहुत से धन्यवाद देते हैं। भदोही जनपद में हम सभी लोगों ने बेहतर शिक्षा का अभियान के माध्यम से शिक्षा अधिकार कानून के बारे में जानकारी दी, जिसके वजह से विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी खास करके वंचित समुदायों की भागीदारी बढ़ी। पहले विद्यालय में बहुत खराब समस्या रही, लेकिन अब सही है। क्या समस्या रही पहले? पहले बहुत रही, हम घरे से बर्तन ले आई खाना बनाई और पानी ले आई घरे से, कुल साथ कुल चीज ले आई घरे से खाना बनाई तब लड़के खियाई। तो आपका समस्या दूर होगी? वह अब तो सही होगी, अब सरकारी बर्तन उर्तन आई है, बन नल करिए बाबा, सही है। मैं अकेला अध्यापक हूँ, इसकी वजह से जो है बच्चे जो है बार बार बाहर भाग जाते थे, अब बाउंड्री हो जाने के कारण बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, शौचालय की व्यवस्था हो गई, बच्चे अपना शौचालय में जाते हैं, उसको यूज करते हैं, कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याएं लगभग हल हो गई हैं। अनिल जी आए थे, वीडियो वॉलंटियर बता रहे थे और उन्होंने जो है यहाँ से एक कोई वीडियो क्लिप बनाया, उसके माध्यम से जाके विभाग को दिखाया, इसकी समस्या हल हो गई। इसलिए मैं अनिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, इसके वजह से आज सारी समस्याओं का निदान हो गया। मैं इस बदलाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले समुदाय SMC सदस्य, जन सहयोग मंच, एकता परिषद, स्कोर, पीपुल फॉर पीस सर्विस सोसाइटी आदि सामाजिक संगठनों को वीडियो वॉलंटियर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।